ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख चार मास की मुरली है और अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। मुरली का विषय है बेहद की वैराग्य वृत्ति से सिद्धियों की प्राप्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति से सिद्धियों की प्राप्ति। बाबा कह रहे हैं आज विश्व रचयिता अपनी श्रेष्ठ रचना को व रचना के पूर्वज आत्माओं को देख रहे थे। चारों ओर की पूर्वज पूज्य आत्माएं बाप दादा के सामने हैं। खाली सामने बैठे हैं वो नहीं, परंतु बाबा कहते चारों ओर की पवित्र पूज्य आत्माएं बाबा के सामने हैं। पूर्वज आत्माओं के आधार से विश्व की सर्व आत्माओं को शक्ति और शांति प्राप्त हो रही है और होनी है। अनेक आत्माएं पूर्वज पूज्य आत्माओं को शांति देवा शक्ति देवा कहकर के याद कर रही है। सभी भिन्न भिन्न प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। ऐसे समय पर शांति देवा आत्माएं मास्टर शांति के सागर, मास्टर शांति के सूर्य अपनी शांति की किरणें, शांति की लहरें दाता के बच्चे दाता बनके सर्व को दे रहे हो ना। सभी अपने अपने इष्ट देव को देव देवियों को पुकारते हैं तो बाबा कहते आप ही इष्ट देव देवियां हो तो वो मांगते हैं तो आप दे रहे हो। वो विशेष सेवा करने के अभ्यासी बने हो व अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं में इतने बिजी हो गए हो जो इस विशेष सेवा के लिए फुर्सत और अभ्यास कम होता है। जैसा समय वैसा सेवा के स्वरूप को अपना सकते हो। जैसा समय जैसी आवश्यकता वैसे सेवा के स्वरूप को अपना सकते हो। अगर किसी को पानी की प्यास हो और आप बढ़िया भोजन दे दो संतुष्ट होगा क्या? कहेगा पहले पानी दो भाई, भोजन तो बाद में, पर पहले क्या चाहिए? पानी। पानी की प्यास होगी तो पानी ही चाहिए। ऐसे बाबा कहते हैं वर्तमान समय शांति और शक्ति की आवश्यकता है। मनसा की शांति द्वारा आत्माओं को मन की शांति अनुभव करा सकते हो। कैसे करा सकते हैं? मन की शांति द्वारा औरों को मन की शांति अनुभव करा सकते हो। वाणी द्वारा कानों तक आवाज पहुंचा सकते हो। लेकिन वाणी के साथ साथ मनसा शक्ति द्वारा मन तक पहुंचा सकते हो। केवल वाणी द्वारा कानों तक आवाज पहुंचेगा, पर मनसा शक्ति के साथ अगर आप कहते हैं समझाते हैं तो वो क्या करेगा? मन तक पहुंचेगा। मन का आवाज मन तक पहुंचता है। सिर्फ मुख का आवाज कानों और मुख तक रह जाता है। सिर्फ वाणी से वर्णन शक्ति और मन से मनन शक्ति, मगन स्वरूप की शक्ति दोनों प्राप्त होती है। वो सुनने वाले और वो बनने वाले बन जाते हैं। खाली वाणी से बोला गया होगा तो खाली सुनने वाले, बाकी मन से बोला गया, मन की बात मन तक पहुंची तो बनने वाले बन जाएंगे। दोनों में अंतर होता है। तो सदा वाचा और मनसा दोनों साथ साथ सेवा में रहे। बाबा कहते हैं वर्तमान समय विशेष भारतवासियों का क्या हालचाल देखा, अभी स्मशानी वैराग्य की वृत्ति में है। कुछ प्रसंग बना है ऐसा और उसके प्रभाव में बाबा कहते स्मशानी वैराग्य।
ऐसे स्मशानी वैराग्य वृत्ति वालों को बेहद की वैराग्य वृत्ति दिलाने के लिए स्वयं बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले बनो। पहले बनना पड़ेगा खुद को, तो फिर औरों को बता सकते हैं। तो अपने आप को चेक करो, कभी राग कभी वैराग दोनों में चलते हैं व सदा बेहद के वैरागी बने हो, कभी राग कभी वैराग या बेहद के वैरागी बने हो। अच्छा, अब बेहद के वैरागी अर्थात देह रूपी घर से भी बेघर, देह के प्रति भी अटैचमेंट नहीं होगा, उससे भी उपराम, देह भी बाप की है न कि मेरी, इतना देह के भान से परे। फिर निशानी, बेहद के वैरागी कभी भी संस्कार स्वभाव या साधन किसी के भी वशीभूत नहीं होंगे। बेहद का वैरागी अर्थात क्या, वो कभी भी संस्कार स्वभाव या स्थूल साधन किसी से भी प्रभावित नहीं होंगे। न्यारा बन करके मालिक बन के साधनों द्वारा सिद्धि स्वरूप बनेंगे। कोई भी साधन है पर उसका उपयोग किस में होना चाहिए, आत्मा को सिद्धि स्वरूप बनने के लिए, आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए। साधन को विधि बनाएंगे, विधि द्वारा स्व उन्नति की वृद्धि की सिद्धि पाएंगे। कौन सी सिद्धि है, स्व उन्नति की। सेवा से वृद्धि की सिद्धि प्राप्त करेंगे, निमित्त आधार होगा लेकिन अधीन नहीं होंगे, अधीन नहीं होंगे। आधार के अधीन होना अर्थात वशीभूत होना, अधीन होने का अर्थ क्या है कि उसके बिना नहीं चल सकता। तो अगर ऐसे अधीन हो गए तो फिर इसका अर्थ है वशीभूत हो गए। वशीभूत शब्द का अर्थ ही है जैसे भूत आत्मा परवश और परेशान करती है। जैसे भूत होता है क्या कहते हैं, वो जिसके अंदर प्रवेश होता है वो व्यक्ति को परवश कर देता है, कुछ भी उसके वश में नहीं रहे, जो मन चाहे बोलता है, है ना। उसको पता नहीं अपना कि मैं कौन हूं, क्या बोलता हूं, नहीं पता है। जो आत्मा प्रवेश करती है वो बोलती है मेरा नाम ये है। कभी कभी पूछते हैं तो ऐसा होता है। ऐसे किसी भी साधन व संस्कार व स्वभाव व संपर्क के वशीभूत हो जाते हैं तो भूत समान परेशान और परवश हो जाते हैं। किसी के भी अधीन हो गए तो एकदम परवश महसूस करेंगे। बेहद के वैरागी सदा करावन हार करा रहे हैं, इसी मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर उड़ता योगी होगा। रमता योगी क्या कहते हैं इतिहास में, कहानियों में लिखा हुआ होता है, भी कई योगी ऐसे हैं जो एकदम बैठे हुए तपस्या में लीन, ऐसा नहीं, पर सिद्धि स्वरूप अर्थात जहां जाते हैं वहां, जहां मन चाहे वहां घूमते फिरते रहते हैं, रमता योगी। तो बाबा कहते रमता योगी नहीं, पर बाबा ने क्या कहा, क्या बन जाते हो, उड़ता योगी बन जाते हो। जैसे हद के वैरागी हठयोग की विधियों से, अभी बाबा उड़ता योगी क्या है उसका यथार्थ अर्थ समझाते हैं, फिर उड़ता हवा में उड़ने की बात नहीं है, पर उड़ने का अर्थ क्या है वो समझाते हैं। जैसे हद के वैरागी हठयोग की विधियों से धरनी आग पानी सबसे ऊंचा आसनधारी दिखाते हैं, कहते हैं सबके पर विजय प्राप्त कर लिया, उसको योग के सिद्धि स्वरूप मानते हैं। वो है अल्पकाल के हठयोग की विधि की सिद्धि। अब बाबा क्या कहते हैं,
ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले इस विधि द्वारा देह भान की धरनी से ऊपर माया के भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से भी ऊपर, देह भान रूपी धरनी से ऊपर, फिर माया के भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से भी ऊपर, भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संघ के बहाव में आने से न्यारा बन जाते हैं। संघ का भी एक फोर्स, जिसको कहते हैं बहाव कहते हैं, फोर्स कहते हैं, उससे भी न्यारे रहते हैं। जैसे पानी का बहाव अपना बना देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे किसी भी प्रकार के, बाबा कहते हैं, अल्पकाल के बहाव अपनी तरफ आकर्षित न करे। सबने किया इसलिए हमने किया, इसने किया इसलिए हमने कर लिया, नहीं, ये बहाव है। ऐसे पानी के बहाव से भी ऊपर इसको कहा जाता है उड़ता योगी। देह बान रूपी धरनी से भी ऊपर, फिर दूसरा क्या बताया, विकारों से उत्पन्न होने वाली अग्नि से भी ऊपर, और फिर संघ के रंग में बहाव में आने से भी ऊपर। बेहद के वैरागी अर्थात हर संकल्प बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति, स्मृति, भावना और कामना हो। बेहद की वृत्ति, स्मृति, भावना और कामना, सब क्या हो, बेहद का हो। हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित हो, हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित, सुनना, हर बोल निस्वार्थ भावना का हो, हर कर्म में करावनहार करा रहे हैं ये वाइब्रेशन सर्व को अनुभव हो। खुद को तो अहंकार नहीं होगा कि मैं कर रहा हूं, पर वो इतना ज्यादा नम्रता भाव से करते हैं कि कोई नहीं समझता है कि यही कर रहा है, यही महसूस होगा करावनहार करा रहे हैं। ये वाइब्रेशन सर्व को अनुभव हो, इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी अर्थात अपनापन मिट जाए, मैंपन, मेरापन, वो मिट जाए, उसके बदले में क्या आ जाना चाहिए, बाबापन आ जाए। मैं और मेरा मेरा नहीं, परंतु बाबा बाबा और बाबा। जैसे अनहद जाप जपते हैं, ऐसे अनहद स्मृति स्वरूप हो, हर बात में हर पल में बाबा याद आएगा तो अनहद हो जाएगा। हर संकल्प में, हर श्वास में बेहद और बाबा समाया हुआ हो, बेहद और बाबा समाया हुआ। तो हद के वैरागी, स्मशानी वैरागी आत्माओं को वर्तमान समय शांति और शक्ति देवा बन के बेहद के वैरागी बनाओ। तो वर्तमान समय के प्रमाण, बच्चों के रिजल्ट क्या रही, ये टीवी बाप दादा ने देखी, जैसे कहा ना उस समय कुछ बना हुआ है, और बच्चों ने इंदिरा गांधी की टीवी देखी, मैं भी उसी समय उसका मृत्यु हुआ था, फिर बाबा कहे चलो समय पर देखी, नॉलेज के लिए देखा, समाचार के लिए देखा, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन क्या हुआ क्या होगा इस रूप में नहीं देखना। नॉलेजफुल बनकर के हर दृश्य को कल्प पहले की स्मृति से देखो। कोई भी दृश्य है तो क्या सोचो, ये कल्प पहले भी हुआ था,
तो बाप दादा ने बच्चों का क्या देखा, बच्चों का दृश्य भी बड़ा रमणीक था। तीन प्रकार के रिजल्ट देखी बच्चों में, तीन प्रकार के बच्चे देखे। पहली बात, एक थे चलते चलते अलबेलेपन की नींद में सोए हुए हैं। चलते भी है परंतु अलबेलेपन की नींद में सोए हुए, सोई हुई आत्माएं। अच्छा, उसका क्या हाल होता है? जैसे सोए हुए हैं, फिर जैसे कोई जोर से आवाज होता है व कोई हिलाता है तो सोया हुआ जाग जाता है। लेकिन क्या हुआ, इस संकल्प से कुछ समय जागे और फिर धीरे धीरे वही अलबेलेपन की नींद। कहीं को जगाते हैं तो ऐसा होता है ना, एकदम गहरी नींद में भी जगा, क्या हुआ क्या हुआ, अच्छा फिर सो जाएंगे। पर ये नींद कैसी है, अलबेलेपन की नींद है, समझना मुश्किल होता है। अच्छा, अलबेलेपन की नींद अर्थात क्या, वो भी फिर समझाते हैं, वो क्या सोचेंगे। ये तो होता ही है, सोचा है, सुना, ये हुआ ये हुआ, अच्छा ये तो होता ही है, इस चादर को ओढ़ के सो गए, ये तो होता ही है, कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा सोच के ये चादर ओढ़ के फिर से सो जाते हैं। फिर आगे संकल्प क्या चलते, संकल्प क्या क्या चलते हैं। अभी तो रियल सर है, ये बाबा की बातों का उल्टा अर्थ लेके, अभी तो रियल सर है, फाइनल तो आगे होना है, ये सोच के मुंह तक चादर ओढ़ ली, थोड़ा ओढ़ा फिर मुंह तक चादर ओढ़ ली। अच्छा, फिर दूसरे प्रकार के बच्चे आलस की नींद में सोए हुए, एक अलबेलेपन की नींद और एक है आलस की नींद। ये तो सब होना ही था, वो हुआ, पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं ना, आगे भी कर ही लेंगे, संगम युग में तो पुरुषार्थ करना ही है, कुछ किया है कुछ आगे चल के कर लेंगे। दूसरों को जागकर देखते रहते हैं, जैसे चादर से मुंह निकाल के एक दो को देखते हैं ना, संगठन होगा तो सुबह उठेंगे फिर वो बाजवाला जागा है कि नहीं जागा है, अगर वो सोया हुआ है तब तो बस खत्म, फिर सो जाएंगे कि ये भी सोया है चलो सो जाते हैं। जो नामी ग्रामी है वो भी इतना ही रफ्तार से चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, ऐसे दूसरों की कमजोरियों को देख करके फॉलो फादर के बजाय फॉलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कर लेते हैं और उन्हों की भी कमजोरियों को फॉलो करते हैं, विशेषता को फॉलो नहीं करते हैं, क्या करते हैं, कमजोरियों को फॉलो करते हैं। ऐसे संकल्प करने वाले आलस की नींद में सोए हुए, वो भी जागे जरूर, उमंग और उत्साह के आधार से आलस की नींद का कईयों ने त्याग भी किया, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में आगे कदम भी बढ़ाया, हलचल ने हिलाया और आगे बढ़े, लेकिन आलस के संस्कार बीच बीच में फिर भी अपनी तरफ खींच लेते, फिर भी हलचल ने हिलाया आगे बढ़ाया। हलचल बहुत हो जाती है तो लोग सोचते हैं अभी तो पुरुषार्थ करना चाहिए, शायद ऐसा समय आ गया है, अंतिम समय आ गया है, थोड़ा करेंगे फिर वही के वही। अच्छा, फिर तीसरे ग्रुप, तीसरे बच्चे कैसे थे, तीसरे प्रकार के, हलचल को देख करके अचल रहने वाले, सेवा के श्रेष्ठ संकल्प में सेवा के भिन्न भिन्न प्लान सोचना और करना, सारी विश्व को शांति और शक्ति की सहायता देने वाले, साहस रखने वाले, औरों को भी हिम्मत दिलाने वाले, ऐसे भी बच्चे देखे, जो हलचल में भी अचल रहने वाले
अपनी स्थिति भी अच्छी बना के रखते हैं और दूसरों को भी हिम्मत देने वाले। लेकिन स्मशानी उमंग उत्साह व स्मशानी तीव्र पुरुषार्थ व कमजोरियों से वैराग्य वृत्ति, इस लहर में नहीं चलना। स्मशानी वैराग अर्थात क्या? अल्प समय का। जब स्मशान में जाते हैं तो रियलाइज हो जाते हैं, हाँ बेचारा गया, कुछ भी लेके नहीं गया, देखो क्या लेके गया, इस दुनिया में क्या अपना है ना, कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ छोड़ के, एकदम जबरदस्त वैराग वृत्ति आएगी। और जैसे स्मशान से बाहर निकले सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। सदा परिस्थिति को स्वस्थिति की शक्ति से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक की स्मृति में रहो। परिस्थिति स्थिति को आगे बढ़ावे व वायुमंडल मास्टर सर्वशक्तिमान को चलावे। क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं मनुष्य आत्माओं का स्मशानी वैराग्य अल्पकाल के लिए बेहद का वैरागी बनावे, ये पूर्वज आत्माओं का कर्म नहीं है। समय रचना और मास्टर रचयिता को आगे बढ़ावे, ये मास्टर रचयिता की कमजोरी है। समय के आधार पर आगे बढ़े या परिस्थिति के आधार पर, परिस्थिति के कारण आधार पर अर्थात कारण आगे बढ़े, वो बाबा कहते मास्टर रचयिता की कमजोरी है। आपके श्रेष्ठ संकल्प समय को परिवर्तन करने वाले हैं। आप समय के अनुसार परिवर्तन होने वाले नहीं, पर क्या कहा, आपका श्रेष्ठ संकल्प समय को परिवर्तन करने वाला है। समय आप विश्व परिवर्तक आत्माओं का सहयोगी है, समय भी आपको सहयोग देगा। समझा? समय को देखकर समय के हिलाने से आगे बढ़ने वाले नहीं, लेकिन स्वयं आगे बढ़ करके समय को समीप लाओ, परिवर्तन के समय को समीप लाओ, वो घड़ी को समीप लाओ। क्वेश्चन भी बहुतों को उठा कि अब क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन को फुल स्टॉप के रूप में परिवर्तन करो, अर्थात अपने को सभी सब्जेक्ट में फुल करो, ये है फुल स्टॉप। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही विषय में अपने को फुल करो, उसको तभी फुल स्टॉप लगा सकते हैं, तभी चलते हुए विचारों को रोक सकते हैं अपने ही। ये है फुल स्टॉप। ऐसे समय पर क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं उठता, लेकिन क्या करना है, मेरा कर्तव्य ऐसे समय पर क्या है, उस सेवा में लग जाओ। क्या होगा नहीं, जो हुआ सो हुआ, पर अब मुझे क्या करना है वो सोचो, और जो मन में समझ में आता है कि मुझे ये करना चाहिए वो क्या करो, करते चलो। फिर एग्जांपल, जैसे आग बुझाने वाले आग को बुझाने में लग गए ना, क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्या हुआ। फायर ब्रिगेड वाले जाएंगे तो क्या होता है, वो पूछेंगे आग किसने लगाई कैसे, वो सब नहीं, पहली बात तो आग को बुझाओ, बाद में इन्वेस्टिगेशन सब होते रहेंगे। ऐसे रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है अपनी रूहानी सेवा में लग जाना। दुनिया वालों को भी न्यारापन अनुभव हो, समझा, फिर भी समय प्रमाण पहुंच तो गए हो ना। परिस्थिति क्या भी हो, लेकिन ड्रामा ने फिर भी मिलन मेला मना लिया, और ही लक्की हो गए ना जो पहुंच तो गए। इमरजेंसी हो जाती है, लोग समझते पता नहीं क्या होगा, राइट्स होगा, ये होगा, वो होगा, तो निकल नहीं सकते। बाबा कहते ऐसी परिस्थिति में भी मिलन मेला तो हुआ और बाबा तो आए और बच्चे भी आए, भले आए, मधुबन की रौनक आप सब बच्चे ही है। मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंचा, सिर्फ मधुबन वाले बाबा नहीं लेकिन मधुबन वाले बच्चे भी है। गीत में आता है मधुबन वाले बाबा, तो बाबा कहते हैं मधुबन वाले
बच्चों का भी गायन है। अच्छा फिर याद प्यारे, तो सार क्या रहा मुरली का, मुरली का सार क्या रहा? बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति होंगी तो कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं लाएगी। बाबा ने तीन प्रकार के बच्चे कहे, कौन कौन से? एक अलबेलेपन में, एक आलस में और तीसरे अचल, हलचल में भी अचल। तो हमें क्या बनना है? क्यों क्या नहीं, घबरा नहीं जाना। कह लो घबरा जा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा? नहीं, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। कुछ भी हुआ, क्या हुआ? अच्छा हुआ, है ना? क्यों हुआ नहीं सोचना है, मुझे क्या करना है वो सोचना है। क्यों क्यों नहीं, अभी क्या होगा, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर याद प्यार है, तो चारों ओर के संकल्प द्वारा, स्नेह द्वारा, आकारी रूप द्वारा पहुंचे हुए सर्व बच्चों को बाप दादा अचल भव सदा बेहद के वैरागी सदा उड़ते योगी भव का वरदान और वर्षा दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं? सदा अचल भव, बेहद के वैरागी भव और उड़ते योगी भव, ये तीन वरदान बाबा सब बच्चों को देते हैं। कौन से? अचल भव, बेहद के वैरागी भव और तीसरा उड़ता योगी भव। उड़ता योगी अर्थात क्या? हवा में उड़ता हुआ? नहीं। आज की मुरली के अनुसार बताओ, जनरल नहीं। उड़ता योगी अर्थात एक्यूरेट कौन सुनाएगा? कौन सी परिस्थिति? एक्यूरेट कौन सुनाएगा? तीन बात सुनाई, धरनी, अग्नि और पानी से उपराम। धरनी अर्थात देह भान से उपराम, तो देह से उपराम। अग्नि अर्थात विकारों की अग्नि से उपराम। और पानी अर्थात बहाव से उपराम, किसी की संग के रंग के बहाव में आने से उपराम। तो ये तीन बातों से उपराम अर्थात उड़ता योगी। भाई याद तो रखना पड़ेगा ना, नहीं तो धारण कैसे करेंगे, है ना? तो वरदान कौन से तीन दिए? अचल भव, बेहद के वैरागी भव और उड़ता योगी भव। तीन बात याद रखना तो फिर तीन वरदान मिलेंगे। वरदान याद रखेंगे तो मिलेंगे, याद ही नहीं रखेंगे तो मिलेगा कैसे? अच्छा तो बाबा ने कहा बच्चों को बाप दादा सदा अचल भव सदा बेहद के वैरागी भव सदा उड़ते योगी भव का वर्षा और वरदान दे रहे हैं। सदा अनहद स्मृति स्वरूप, अनहद अर्थात कंटिन्यूअस, निरंतर, अलबेल्य और आलस की निंद्रा जीत, अलबेल्यपन की नींद और आलस की नींद से निंद्रा जीत, सदा बेहद के स्मृति स्वरूप ऐसे पूर्वज और पूज्य आत्माओं को। बाबा ने किसको याद किया था? पूर्वज और पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जब उठ के घर जाते हैं तो बीच में क्या करना है? बाबा की मुरली को मेमोराइज करना है, याद करना है। क्या कहा बाबा ने, बाबा ने क्या कहा, है ना? कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? आज क्या क्या बात बाबा ने याद करने के लिए कहा, है ना? बीच में वो नहीं हमने रिपीट करवाई, पर बेहद के वैरागी अर्थात क्या, है ना? वो सब बात एक एक बात को लेके याद करना तो याद आ जाएगा। भूल गए हैं तो मुरली में देख लेने का, अब तो सबके पास मुरली होती है इसलिए इजी है।
मुरली वैसे स्थूल में भी है और तुम्हारी मोबाइल में भी होती है। अच्छा, फिर दादी जी तथा जगदीश भाई ने विदेश यात्रा का समाचार सुनाया तथा याद प्यादी विदेश यात्रा करके आए, सेवा करके आए, सभी को संदेश देके अनुभव कराया ना, स्नेह और संबंध बढ़ाया, अभी अधिकार लेने के लिए आगे आएंगे, हर कदम में अनेक आत्माओं के कल्याण का पाठ नूंदा हुआ है, इसी नूंद से सभी के दिल में उमंग उत्साह दिलाया, बहुत अच्छा सेवा और स्नेह का पाठ बजाया, बाप दादा करावनहार भी है और साक्षी होकर के देखने वाले भी है, करावनहार भी है और साक्षी होकर के देखते भी है, कराया भी और देखा भी, बच्चों के उमंग उत्साह और हिम्मत पर बाप दादा को नाज है, आगे भी और आवाज बुलंद होगा, ऐसा आवाज बुलंद होगा जो सभी कुंभकर्ण आंखें खोलकर देखेंगे कि क्या हुआ क्या हुआ, कईयों के भाग्य का परिवर्तन होगा, धरनी बनाकर आए, बीज डालकर आए, अभी जल्दी ही बीज का फल निकलेगा, प्रत्यक्षता का फल निकलने वाला ही है, समय समीप आ रहा है, अभी तो आप लोग गए लेकिन जो सेवा करके आए उस सेवा के फल स्वरूप वो स्वयं ही भागते हुए यहाँ आएंगे, ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चुंबक दूर से खींचता है ना, ऐसे कोई खींच रहा है, जैसे आदि में अनेक आत्माओं को ये रूहानी खींच हुई कि कोई खींच रहा है, कहाँ जाए मन में संकल्प में, ऐसे ये भी खींचे हुए आएंगे, ऐसा अनुभव किया है ना कि रूहानी खींच बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते खींचे हुए उड़कर पहुंच जाएंगे, वो भी अभी दृश्य होने वाला ही है, अभी यही रहा हुआ है, संदेश वाहक जाते हैं लेकिन वो स्वयं सत्य तीर्थ पर पहुंचे, यह लास्ट सीन, इसके लिए अभी धरनी तैयार हो गई है, बीज भी पड़ गया है, अब फल बस निकला कि निकला है ना, बहुत कम समय में फिर बहुत ज्यादा डबल फॉरेनर्स जिसको बाबा कहते हैं वो जागे और मधुबन में आते रहते हैं। अच्छा, दोनों तरफ गए बाप दादा के पास, सभी की हिम्मत उल्लास उमंग का पहुंचता है, समाचार पहुंचता है, मामा कहते हैं मेजोरिटी सेवा के उमंग उत्साह होने के कारण माया जीत बनने में भी सहज ही आगे बढ़ रहे हैं, फुर्सत होती है तो माया का वार भी होता है, लेकिन बिजी रहते हैं तो माया का वार नहीं होगा, पर फिर बिजी रहने में कैसे रहने का, दिल से ड्यूटी से नहीं, जो दिल से सेवा में बिजी रहते हैं वो सहज ही माया जीत हो जाते हैं, तो बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख के खुश हैं, वहां साधन भी है, साधन भी सहज है और इन्हों को प्राप्त भी हो जाते हैं, लक्ष्य है, मेहनत है और साधन भी सहज प्राप्त है, तो तीनों बातों के कारण अच्छी रेस में आगे नंबर ले रहे हैं, क्योंकि उनके कल्चर में और भारत के कल्चर में बहुत फर्क है, एक बात है कि भारत वालों को जल्दी समझ में आएगा क्योंकि सब इतिहास वगैरह सुना हुआ है, फेथ है उनको, तो सब कुछ नए सिर बताना है, देवी देवता क्या होता है, कृष्ण क्या होता है, फलाना क्या होता है, ये सब पढ़ाना पड़ता है, एक बात ये है, पर दूसरी बात क्या है कि यहां सबको बंधन बहुत होते हैं जबकि वहां किसी को कोई बंधन नहीं है, बंदा जो चाहता है वो अपने आप कर सकता है, उतना फायदा है, यहाँ किसी को दूर से आने में थोड़ी तकलीफ होगी, साधन नहीं मिलेंगे, वहां साधन मिलना बड़ा सहज है, परंतु माया का आकर्षण भी बहुत जोरदार है, तो दोनों को पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, प्राप्ति भी है। अच्छा है, बाबा कहते हैं लेकिन देश में भी कोई कम नहीं है, सभी अपने अपने उमंग उत्साह के आधार पर बढ़ रहे हैं, नाम तो देश से ही निकलना है ना, विदेशों की सफलता भी देश से ही निकलनी है, ये अच्छी स्मृति उनको रहती है और अपनी ड्यूटी समझती है, ड्यूटी समझते हैं कि हमको भी नाम बाला करना है, विदेश के आवाज से भारत को जगाना है, ये लक्ष्य पक्का है और निभा भी रहे हैं,
तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी विदेश तक आवाज है, विदेश का देश तक आवाज पहुंचे, वो उड़ते उड़ते आ रहे हैं, अभी उड़ रहा है, अभी सफर कर रहा है, आवाज आवाज सफल कर रहा है, कहते हैं उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच जाएगा। अभी विदेश में अच्छा फैल रहा है, लेकिन विदेश का देश में पहुंचे ये भी होना है। अच्छा, जो भी पाठ बजाया अच्छा बजाया, सदा आगे बढ़ने का सहयोग और वरदान है बाबा का सबको। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, जितना अनुभवी बनते जाते हैं उतना और भी अनुभवों के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे। करावनहार ने जो जिससे कराया, करावनहार ने जो जिससे कराया, वो ड्रामा अनुसार अच्छे से अच्छा कराया। करावनहार ने जो कराया वो बहुत अच्छा, लक की बात है, तकदीर की बात है, कराया। निमित भाव सेवा करा ही लेता है, तो सेवा कराई, निमित बने, जमा हुआ और आगे भी जमा होता रहेगा, फुल स्टॉप, है ना। करावनहार ने सेवा कराई, सेवा का फल जमा हुआ, बहुत अच्छा, फिर फुल स्टॉप। अच्छा, फिर पार्टियों से थोड़ी बात किया है। सदा मिलन मेले में रहने वाले हो ना, ये मिलन का मेला, अविनाशी मिलन मेला का अनुभव करा देता है। कहां भी रहते लेकिन मेले में रहते हो, मेले से दूर नहीं होते, मेला अर्थात मिलन, तो सदा मिलन मेला तो है ही, तो ऐसा भगवान कौन होगा जो सदा मेले में, सॉरी, तो ऐसा भाग्यवान कौन होगा जो सदा मेले में ही रहे। मेला तो कभी कभी जाया जाता है, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। बाबा कहते हैं आप कितने भाग्यवान हो जो सदा मेले में रहते हो। वैसे तो मेला लगता और खत्म हो जाता, लेकिन सदा मेले में कोई नहीं रहता है, आप भाग्यवान आत्माएं सदा मेले में रहते हो। सदा मिलन मेला, कौन सा मेला? सदा मिलन मेला। मेले में क्या होता है? मिलना जुलना, मिलना और जुलना, सो अलग अलग प्रकार की राइड्स वगैरह होता है ना, तो लोग आनंद करते हैं। तो आप लोग तो, आप लोगों को तो बाबा ने कैसी अलग अलग प्रकार की राइड्स दी है। झूलना भी होता है ना, तो सदा प्राप्तियों के झूले में झूलने वाले, एक झूला नहीं, अनेक प्राप्तियों के अनेक झूले हैं। कभी किस झूले में झूलते हैं, कभी किस झूले में झूलते हैं, लेकिन है मेले में ऐसा झूला है जो सदा ही सुख और सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला है। ऐसी बाबा कहते हैं आप सभी कोटों में कोई भाग्यवान आत्माएं हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या सोचना है अपने आप को, मैं कौन हूं? कोटों में कोई भाग्यवान आत्मा हूं, ऐसा लगता है कि भाग्यवान हूं? ऐसा ऐसा मन में आता है चलते फिरते कि हम कितने भाग्यवान हैं, कितने भाग्य, ऐसा लगता है कितने भाग्यवान है ना। पहले महिमा सुनते थे और अभी स्वयं अनुभव कर रहे हैं, महान बन गए, महान बन गए। जैसे कहते हैं बाबा जिनको पढ़ाते हैं, भगवान स्वयं पढ़ाते, वो कितना योग्य विद्यार्थी होगा। अच्छा, वरदान। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, साइलेंस पावर जिसको कहते हैं, शांति की शक्ति। शांति की शक्ति से ही और सभी शक्तियां निकली है। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है, वो साइंस भी साइलेंस से ही निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। वो संकल्प से नहीं होता, शांति से होता है।
कोई कहे कि मुझे करना ही है, मुझे करना ही है, नहीं होगा। पर शांति का अभ्यास होगा तो संकल्प में शक्ति होगी। बोलने से नहीं होता है, परंतु संकल्प की शक्ति से होता है। असंभव को संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वो आपके लिए संभव है, और संभव होने के कारण सहज है। जिस कड़ी ये बुद्धि में आते नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, तो वो सहज हो जाता है। शांति की शक्ति को धारण करके सहज योगी बनो। शांति की शक्ति को अनुभव करना है और बार बार अनुभव करके उसको अपना बनाया है, बनाना है, धारण करना है, और फिर तो सहज योगी बन जाएगी। योग तो सहज ही लग जाएगा। अच्छा स्लोगन है, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी भट्टी के कार्यक्रम चलेंगे आबू के अंदर, जैसे तो भट्टी तो ऑल इंडिया की होती है, और उसमें फिर तो ये भट्टी के जो कार्यक्रम 20 जून युगलों की भट्टी है। दूसरी है 29 जून से 4 जुलाई 2 से 12 वर्ष से ज्ञान में चलने वाली माताएं, 2 से 12 साल से ज्ञान में चलने वाली माताओं के लिए भट्टी है। तीसरा है 31 जुलाई से 5 अगस्त गीता पाठशाला के निमित्त भाई बहनों की भट्टी, जो गीता पाठशाला के निमित्त है, मुरली पढ़ते हैं उसके लिए। फिर 13 अगस्त से 18 अगस्त 2 से 12 वर्ष से ज्ञान में चलने वाले युगल, वो 13 वर्ष से ऊपर वाले थे, ये 2 से 12 वर्ष तक। फिर 22 अगस्त से 27 अगस्त से 13 वर्ष से ऊपर ज्ञान में चलने वाली माताएं, और 30 अगस्त से 4 सितंबर है 3 वर्ष से ऊपर ज्ञान में चलने वाले अदर कुमार और कुमारों की भट्टी। दोनों की अलग अलग करते हैं, वहां तो हमारे पास हॉल वगैरह होता है, तो दोनों की भट्टी अदर कुमारों की और कुमारों की रखेंगे अलग अलग, पर टाइम एक साथ है, भट्टी है। अच्छा फिर इसके बीच प्रोग्राम होता है बच्चों का प्रोग्राम। बच्चों का प्रोग्राम है 22 मई से 28 मई, तो लिमिटेड बच्चे ही ले जाने होते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो अच्छी ट्रेनिंग करेंगे उनको ही वहां पर ले जाया जाएगा। उसकी आयु है 10 से 14 वर्ष, 10 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष तक बच्चे जा सकते हैं। अच्छा हमेशा गर्मियों में समर कैंप करते हैं यहाँ पर, वो तो सभी बच्चे आ सकते हैं इसमें, तो वो 7 मई से 11 मई, 7 मई से 11 मई बच्चों का समर कैंप, कोई भी बच्चे आ सकते हैं उसमें, और उसके लिए फॉर्म होता है, आपको नेक्स्ट थर्सडे उसका फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। आप अभी सोच के रख सकते हैं किस किस को हम इसमें भेज, इसमें आयु की बात नहीं है कोई, अपने यहाँ ही होने वाला है, इसीलिए सभी आ सकते हैं। ओम शांति। दूसरी बात बताया है, आप सबको पता होगा कि YouTube पर रोज की मुरली आती है, अभी रोज मुरली रिकॉर्ड करते हैं, और सुबह में मुरली जो पढ़ी जाती है वो मुरली रोज आप सारे दिन में सुन सकते हो YouTube पर। तो आप सबने सब्सक्राइब कर दिया होगा, ऐसा होता है सब्सक्राइब करना तो आएगी। जिसने ना किया हो, ना आता हो, वो आज नीचे जाकर के अपने मोबाइल से करवा सकते हैं। ये वो मोबाइल में होता है जो एंड्रॉयड कहते हैं, और नेट उसमें होता है कनेक्शन, तो उसके द्वारा हो सकता है। तो वो आप बताएंगे नीचे जानकी बहन को, और वो करके देंगी।